सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन महुवा कृषि मंडी का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और किसान भामाशाह की तरह लोगों को भोजन की भी सुविधा देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 251 मंडियों में किसानों और व्यापारियों के लिए सरकार सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई मंडी टेंडरिंग की शुरुआत की है, जिसे किसान एक जगह से दूसरे देश की मंडी की सारी चीज की जानकारी ले सकते हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने और व्यापारियों के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ देने का एक बहुत अच्छा साधन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सभी मंडियों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ जोड़ने के लिए ई नाम के नाम से पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया था और उत्तर प्रदेश की मंडियों को भी उसके साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम हमारी सरकार ने बनाया है। प्रदेश के अंदर हमारे पास 251 कृषि मंडी हैं। इसमें से 100 मंडियों को पहले चरण में ई नाम के साथ जोड़ने और एक जगह बैठ करके किसान पूरे देश के अंदर फल है, सब्जी है या जो उसका खाद्यान्न है उसका क्या दाम है और क्या उसको मिलना चाहिए इसको देख सकता है और उसके अनुसार अपना रेट यहाँ पर तय कर सकता है। यानी पूरे देश को एक मार्केट बनाने और किसानों को उससे लाभान्वित करने के साथ साथ आम उपभोक्ताओं का भी शोषण न हो, इस दिशा से बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो उन मंडियों के उन्नयन के लिए हम लोगों ने एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। साथ साथ मंडी समिति गाँव की सड़कों के निर्माण के साथ साथ किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति दे सके, उनके लिए छात्रावास का निर्माण कर सके। हम लोग जैसे प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर किसानों के जो हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं उन किसानों के बच्चों के लिए छात्रावास की विशेष व्यवस्थाएं भी वहाँ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया और किसानों ने सीएम से भी मुलाकात की। वहीं सीएम ने सर्किट हाउस में सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की, किसानों की हर संभव मदद के लिए चर्चा की। देखना होगा कि सीएम के इस प्रयास का किसानों को कितना फायदा होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।